शेक्सपियर की कहानी किंग रिचर्ड द थर्ड का अखीरला भाग। रिचर्ड तो एक नंबर का फरेबी सी। उस बदमाश ने कहा कि तुसी बेकार ही पदभार मेरे ते लदना चाहुंदे हो, मैं तुहाडा प्रस्ताव प्रवान नहीं कर सकांगा, मैं राजपद दे योग नहीं हाँ। चापलूस बकिंगम उहदियां गल्लां च आउण वाला नहीं सी। रिचर्ड नूं चेतावनी दिंदियां कहा कि तुसी न्याय पक्ष दा स्नेह ते अपने वंशजां दे प्रति सद्भावना के कारण युवराज एडवर्ड नूं सिंघासन तो वांझा नहीं करना चाहुंदे, तां सुण लो कि तुहाडे भरा दा बेटा साडा राजा नहीं होएगा, उहदे बदले असीं किसी दूसरे नूं सिंघासन ते विराजमान करांगे। इस नाल तुहाडी कुल अपमानत ते अमर्यादत होएगी। इन्हां कह के उह नागरिकां नूं लैके उत्थों तुरदा बणिया। इन्हां लोकां दे जाने कैट्सबी ने रिचर्ड नूं फिर अपील कीती कि इन्हां लोकां दी गल मंन लओ, नहीं तां देश नूं इहदा खामियाजा भुगतना पएगा। दा खुंजण का एहसास करके रिचर्ड ने जवाब दिता कि मेरा दिल पत्थर दा है नहीं, जे तुसीं इस झंझट 'च मैनूं देना ही चाहुंदे हो तां मैं प्रवान करांगा। बकिंगम आद नूं वापस सद के उहने कहा कि जे तुसीं शासन दा भार मेरे सुपुर्द करना चाहुंदे हो तां इच्छा ना रहिंदिआं भी मैं पूरे धीरज दे नाल जिम्मेवारी निभावांगा। अंतरात्मा दे विरुद्ध मैं इंज करांगा, पर याद रखी इस नाल मेरी बदनामी होएगी तां उस तों रखिआ दा जिम्मा तुहाडा होएगा। सारिया ने उन्होंने यकीन दवाया तो तय होया कि अगले दिन रिचर्ड का राज तिलक संपन्न कर दिता जाएगा। उन्होंने लोगों को विदा करके रिचर्ड धर्म गुरुओं के नाल अनुशाठ लई अंदर चला गया। रिचर्ड ने बाहरों तो धार्मिकता का ढोंग रचिया सी, पर अंदरों अंदरी अपने क्रूर फाहे नाल सारियां नूं जकड़दा जा रहा सी। इस गल का पता उस समय चलिया जदों राणी एलिज़ाबेथ अपनी सस, अपने बेटे लेडी एन ते क्लैरेंस की कुड़ी दे नाल टावर पुजी। ये सारे युवराज के प्रति शुभकामना प्रगट करनी चाहते सी, पर जेलर ने उन्हां नाल मिलन की आग्ञा ना दिती। उन्हें कहा कि राजे दे सख्त हुक्मां दे कारण मैं इंज कर रहा। सारिया औरतों ने युवराज नाल अपना परिवारक संबंध दसदियां जदों उस नाल मिलन की जिद की तो ब्रैकनबरी मुआफ़ी मंगदे उत्थों हट गया। इन्ने नूं स्टेनले ने आके हालत नूं एक नवां मोड़ दे दिता। उन्हें लेडी एन नूं वेस्ट मिन्सगट चलण लई कहा। बोलिया राजा रिचर्ड तुहानूं अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करने लई उडीक रहे हैं। इस खबर नाल राणी एलिज़ाबेथ बेचैन हो उठी, उहदा सिर चकराउण लगा। उन्हें आउण वालियां घटनावां नूं ताड़दियां अपने पुत्र डॉर्सेट नूं सलाह दी कि फौरन फ्रांस जावे, इस कसाईखाने तो निकल जाए, नहीं तां जानों हथ धोना पएगा। स्टेनले ने भी राणी की हमायत की। उन्हें कहा कि मैं अपने बेटे रिचमंड के नां तैनूं पत्र देवांगा, देरी ना कर, फौरन तुरदा बण। रिचर्ड तो सारे लोग त्रसद सन, इत्थों तक कि उहदी मां ड्यूज ऑफ यॉर्क भी कहन लगी कि उन्होंने जन्म दे के मैं मनुखता दे कलंक उस हत्यारे की माँ बन गई हाँ। लेडी एन भी उहदे सदे ते परेशानी च पै गई, मना रही सी कि राणी का मुकट पाउण लई जे मेरी मौत हो जाती तो चंगा हुंदा। राणी एलिज़ाबेथ ने चुटकी लैंदियां उहनूं कहा, जा राणी बन, मैनूं मासा भी गिला नहीं है। उदों एन ने हड्डबीती सुणाउंदियां एलिज़ाबेथ नूं कहा, जदों मैं राजा हैनरी की लाश के पिछे जा रही सी उदों मेरे पति का हथियारा रिचर्ड मेरे को आया, मैं उन्होंने लानता पाउणियां शुरू कीतियां। सचमुच उस सी पक्का शैतान। उहदी कथनी करनी का सब तो ताज़ी उदाहरण सी कि उन्हें क्लैरेंस की दुर्दशा लई राणी ग्रे मतलब एलिज़ाबेथ नूं दोषी ठहराया, पर जेल च उहदी हत्या करन लई दो जलादां नूं खुद उन्हें भेजिया। उन्हां नूं वारंट फड़ाउंदियां उन्हें हिदायत की कि काम पूरा करके फौरन कैट्सबी पहुँचो। कहते हैं भी मरण वाले नूं मौत का आभास पहले ही हो जाता है। क्लैरेंस टावर जेलर ब्रैकनबरी नाल रात के भयानक सुपने की गल कर रहा सी। उन्हें दसिया कि अजे डरावने सुपनों वाली रात होर नहीं बिता सकांगा। सुपने के वेरवे देंदे उन्हें ब्रैकनबरी नूं दसिया कि मैं देखिया कि मैं जेल चों भज के बरगंडी जाण लई जहाज़ ते सवार हाँ, मेरे नाल मेरा भरा रिचर्ड ग्लॉस्टर भी है तो उन्हें मैनूं कैबिन तो बाहर डैक ते चहलकदमी करन लई प्रेरित किया। इसे दरम्यान मैनूं महसूस होया ग्लॉस्टर ठोकर खा के डिग पिया तो उहदे धक्के नाल मैं समुद्री लहरां दी चपेट च आ गया। डुब्बण ते मैनूं ना सही जाण वाली पीड़ महसूस हो रही सी। चारे पासे हज़ारां डुब्बे होए जहाज़, डुब्बे होए लोकां नूं खांदियां होईयां मच्छियां, अणगिणत बेशकीमती रतन सब समुंदर दी तलहटी ते पए सी। इस तों बाद मेरे साह उखड़ गए। हुण शुरू होया मरण तो बाद वाला दृश। अनंत संघने हनेरे सब तो पहला मेरी मुलाकात मेरे सौहरे वारविक नाल होई, जिन्हें कहा कि तेरे वर्गे झूठे नूं इस नरक च पता नहीं किहड़ी सज़ा मिले। उहदे गायब होने तो बाद देवदूत दे वांग एक परछावां प्रगट होया। उहदे वाल लहू लिबड़े सन। मैनूं देखदिआं चीख पिया ते बोलिया कि इसे विश्वासघाती ने कैट्सबरी मेरी हत्या कर दी सी। उन्हें कहा कि यमदूत तो इन्हूं फड़ के तसीहा के अंदर लै जाओ। हज़ारां प्रेतां ने मैनू घेर लिया, मेरे कन्नां च डरावनी आवाज़ां कड्ढन लगे। उन्हां दी इस आवाज़ नाल डर के मैं जाग पिया। मैनू इंज लग्या जिवें मैं सच्ची नरक च होवां। क्लैरेंस ने ब्रैकनबरी नूं दस्सिया कि एडवर्ड लई मैं बहुत पाप कीता, उहदा फल मैं इत्थे कैदी बन के भोग रिहा। उन्हें भगवान नूं प्रार्थना कीती कि अपने पाप दा फल मैनू ही भोगना पवे, मेरी इस्त्री ते बच्चे तो बचे रहन। उन्हें कैदखाने दे प्रधान नूं कहा, इस समय तू मेरे नाल ही रह, मेरा मन बहुत बोझल है, मैं सोना चाहना, ते तुरंत सौं गया। ब्रैकनबरी ने महसूस किया कि राजपुरखा के पद गौरव ते उहदी शान शौकत रहिंदी है, पर उन्हां दा दिल चिंता नाल भरिया रहिंदा है। इसे पल रिचर्ड ग्लॉस्टर द्वारा भेजे गए दोवें जलाद उत्थे पहुंचे। जेलर नूं एक परचा दिता, उस जेलर नूं हुक्म दिता गया सी बिना किसी पुछ पड़ताल दे जार्ज क्लैरेंस नूं पत्रवाहक दे हवाले कर दे। हुक्म अनुसार ब्रैकनबरी ने सौंदे हुए कैदी वाल इशारा किया तो उस कमरे की चाबी फड़ा के खुद राजमहल वाल तुर पिया। जलाद का तो पेशा ही है लोगों को मारना, पर कदे कदे वो भी अंतरात्मा की पुकार तो बेचैन हो जाते हैं। इत्थे भी जार्ज की हत्या करने वाले दो जालम जलादा डिटन ते फारेस्ट कोलों एडवर्ड के दोवां मुंडियां की हत्या करा दी। ये दृश्य इन्ना दर्दनाक सी कि इसका बयान करदियां करदियां हत्यारे भी रो पए। पर जालम रिचर्ड तां एक तो बाद एक अपनी योजना साबित करी जा रहा सी। उन्हें अपने भरा क्लैरेंस के बेटे नूं जेल च बंद कराता। उहदी कुड़ी ने इस नीच नाल विआह कराउणा तय कीता सी। राणी एन भी मर गई सी। हुण बचिया सी रिचमंड, जो रिचर्ड दी भतीजी एलिज़ाबेथ नाल विआह करके इंग्लैंड दी गद्दी दा हकदार बनना चाहुंदा सी। ये नीच उस कुड़ी नूं फसाउण दी तरकीब लड़ा रहा सी। इसे दरम्यान कैट्सबरी ने आके उन्होंने दो सूचनावां दित्तियां, कहा कि एली दा बिशप मार्टन रिचमंड दे कोल चला गया है ते बकिंगम वेलिश सैनिकां दे नाल लड़ाई दे लई मैदान च डटिया है। ये सुनदियां सिपाहियां नूं इकट्ठा करन दा हुक्म दे के रिचर्ड बकिंगम नाल मुकाबला करन दी तैयारी च लग गया। पर इस तों पहलां ही कि वो युद्ध के मैदान वाल वधदा, उहदी माता डचेस ऑफ यॉर्क एलिज़ाबेथ दे नाल आके उहदा रस्ता रोक के खड़ी हो गई। क्रोध विच अन्ना रिचर्ड बड़ी बेरुखी नाल बोल पिया, इस समय कौन मेरा रस्ता रोक रहा है? माँ का जवाब सी, ओह जो जन्म समय तेरा गला ना घुट के देश नूं कतलेआम ते तेरे जुल्मां तों बचाउण च असफल रही। राणी एलिज़ाबेथ ने अपने पुत्रां रिश्तेदारां दी हत्या लई दोषी इस अत्याचारी दी भंडी कीती। माँ ने उस तों पुछया, दस नीच मेरा बेटा क्लैरेंस से पुत्रा कित्थे ने? पर उहनूं कित्थे फुरसत सी इन्हां लोकां कोलों ये इल्ज़ाम सुणन दी। नगाड़ा वजा के इन्हां लोकां दियां गल्लां अणसुणीआं कर देना चाहुंदा सी। उन्हें कहा, मेरी कुखों जन्म लैके तू मेरा जीवन नरक बना दिता। बचपन ते हुण तक तू सिरे दा हंकारी, नीच, कमीना, घातक, अत्याचारी दे रूप च मेरे लिए स्यापा बनिया रहा। एक पल भी तू मैनू सुख दा साह नहीं लैण दिता। उस बेशर्म ने माँ नूं कहा कि जे मैं तेरे लिए इन्ना अपमानजनक हाँ तो मेरे नाल गल ना कर, मैनू जाण दे। फिर भी माँ ने उन्होंने कहा कि मेरी आखिरी गल सुणदा जा, शायद बाद च साडी मुलाकात ना होवे, गल करन दा मौका ना मिले। इस युद्ध विच जित हासिल करन तो पहला हो सकता है तेरी मौत हो जाए, जां मैं ही दुखा नाल चूर चूर ते बुढ़ी होने कारण जिउंदी ना रहा। इसलिए जाण तो पहला माँ का इस श्राप नाल लैंदा जा। इस श्राप दे भार हेठ तेरा मन इन्ना बोझल हो जाएगा जिन्ना कि युद्ध नाल तेरा शरीर भी नहीं होएगा। याद रखें, मेरी प्रार्थना तेरे वैरियां दा साथ देगी। एडवर्ड दे मरे पुत्रां दी आत्मा उन्हां दा उत्साह वधाएगी, उन्हां दी जित होएगी। तो बड़ा बेआबरू होकर मारिया जाएगा। रिचर्ड भी हद दर्जे का ढीठ सी। अपना काम सीधा करने लिए हर मौके पर सुचेत रहिंदा सी। राणी एलिज़ाबेथ नूं रोक के उन्हें लंबी चौड़ी भूमिका निभाउंदियां कहा कि मैं तेरी औलाद नूं इन्ना उच्चा पद देना चाहुंदा कि तेरे मन का सारा पुराना जख्म मिट जाएगा। मैं तय दिलों तेरी सुंदरी बेटी एलिज़ाबेथ नूं इन्ना प्यार करदा कि उन्होंने इंग्लैंड की राणी बनाने लिए उत्सुक हाँ। राणी बोल पई, तू उहदे भरावां ते उहदे मामे नूं मारिया, कि वह तेरे वर्गे कातल नाल विआह कर सकती है? उस स्वार्थी बेशर्म ने अपने पुराने अपराधां ते पछतावे ते ढोंग करदिआं कहा कि जे मैं तेरे बेटियां नूं सिंघासन तो वांझा कीता तो हुण तेरी धी नूं राज राणी बना के उस खप्पे की पूर्ति कर देंगा। तेरा भी जीवन खुशी नाल भर जाएगा। हुण उहने राणी नूं माता आके संबोधित करदिआं कहा, जा अपनी धी अगे मेरी प्रेम की फरियाद कर, मेरे नाल ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ। ਯੁੱਧ 'ਚ ਵਿਦਰੋਹੀ ਬਕਿੰਗਮ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁੜਾਂਗਾ ਉਦੋਂ ਰਾਜ ਰਾਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰਿਚਰਡ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ ਤੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਰਿਚਰਡ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਰਿਚਰਡ ਨੇ ਗਿੜਗੜਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ। मैं वादा करदा उहदा दास बन के उहदे नाल पूरा जीवन निष्ठापूर्वक प्रेम निभावांगा। उन्हें सौं चुक के अपना वचन पुगाउण दा वादा कीता। फिर भी राणी नूं उस झूठे मतलबी दियां गल्लां ते यकीन नहीं सी। उन्हें कहा तेरी सौं दा की भरोसा, मरदे वेले राजे दे सामने तू राज परिवार नाल चंगे संबंध बनाई रखण दी सौं चुकी सी कि उहदी उलंघना करके तू मेरे भरा दी हत्या नहीं कीती, कि तू मेरे पुत्रां दी हत्या नहीं कर दित्ती। रिचर्ड ने जवाब दिता कि उन्हां सारियां करके ही तां मेरा जीवन अशांत है, पर हुण मैं पूरी निष्ठा नाल तेरी बेटी प्रति वफादार रहण दी सौं चुकदा। इस नाल मेरा जीवन भी सुखी रहेगा, देश 'च सुख चैन वधेगा। उस अगे लाजमी मेरी वकालत कर, विआह लई उहनूं राजी करो। रिचर्ड ने राणी नूं अपणीआं गल्लां नाल इंज पिंघला दित्ता कि मूरख औरत उहदे सुट्टे जाल 'च फस गई। उहदा प्रस्ताव लैके अपनी धी कोल पुजी। उहने जांदे ही रिचर्ड ने टिप्पणी कीती, किन्नी कोमल नारी है, किन्नी जल्दी उहदा दिल ते मन बदल गया। घरेलू थंम मजबूत करके रिचर्ड हुण दुश्मन का मुकाबला करने की तैयारी च लग गया। रैटक्लिफ ते कैट्सबी पासों उन्होंने सूचना मिली कि पश्चिमी तट ते रिचमंड की अगवाई च नौसेना पहुँच चुकी है, बकिंगम की सहायता की उड़ीक कर रही है। रिचर्ड ने ड्यूक ऑफ नॉरफ़ॉक नूं सुनेहा भेजिया कि ज़्यादा तो ज़्यादा सिपाहियां नूं लैके सैलिसबरी पुजे। स्टेनले ने भी रिचमंड दे आउण दी सूचना दित्ती। रिचमंड ने उन्होंने कहा मैनूं शक है कि तूं भी मेरा साथ छड्ड उस नाल जा मिलेगा। की तेरा साथी सहयोगी उहदी सेना नूं तट ते लै आउण च मदद नहीं दे रहे। स्टेनले ने रिचर्ड नूं भरोसा दवाया कि मेरे साथी उत्तरांचल वल हन। हुण तां राजा होर भड़किया, पच्छम तट ते पहुँच के साडी मदद करन दे बदले उह लोक उत्तर च क्यों हन? जाओ सेना लैके पच्छम तट ते पुजो। उदों तक दे लई अपने बेटे जार्ज नूं अमानत दे रूप च मेरे कोल छड्डदे जाओ। विश्वासघात करोगे लड़के तो हत्थ हो गए। इस समय हालात रिचर्ड के प्रतिकूल सन। एक दे बाद एक दूत आके विद्रोह की खबर दे रहे सन। डेवन शायर ते केंट विच विद्रोह भड़क उठिया सी। बकिंगम दा सैनिक बेड़ा तूफान के तपेड़ियां नाल वह गया सी। वो कित्थे सी किसी नूं नहीं पता। कैट्सबरी ने आके उन्होंने बकिंगम की गिरफ्तारी का शुभ समाचार दिता। इहदे नाल ये भी कहा कि रिचमंड सेना समेत मिलफोर्ड आण पुज्जा। रिचर्ड ने अपने सहयोगियों को सैलिसबरी वाल वधन के नाल ही बकिंगम नूं भी उत्थे लिआउण दा हुक्म दिता ते खुद उस पासे तुर पिया। इस लामबंदी विच स्टेनले की हालत सब तो वध पतली सी। पादरी क्रिस्टर रसवेक के हाथों उन्हें रिचमंड के कोल सूचना भिजवाई कि मैं इस समय खुली हिमायत करन च समर्थ हाँ। मेरा बेटा जार्ज रिचर्ड के कोल कैदी है। जे मैं उहदे विरुद्ध विद्रोह करदा तो मेरी धी की जान चली जाएगी। यह भी कहा कि राणी अपनी धी एलिज़ाबेथ का विआह रिचर्ड नाल करन लई राजी हो गई है। रिचर्ड दे बाहुकम बकिंगम नूं लै के शेरिफ टावर वल वध रहे सी। मरण तो पहला बकिंगम एक बार रिचर्ड नाल गल करनी चाहुंदा सी। शेरिफ ने लाचारी जाहिर करदिआं उहनूं शांत रहण दी अपील कीती। बकिंगम सोचण लग्या कि इसे रिचर्ड ने दे फेर विच मैं हेस्टिंगज रिवर्स ग्रे ते एडवर्ड दे पुत्तां दी हत्या कीती ते राणी मार्गरेट दे सराप दा अखर अखर सही साबित होया। अज ऑल सोल्स डे है, सारियां मरहूम आत्मावां दी शांति दा दिन, ते अज ही मैं भी शांत कर दिता जावांगा। इस तरह अपने पुराने पापा नूं याद करदे होए टावर वल वधदा जा रहा सी। जद कि रिचर्ड बकिंगम दी सहायता तो वांझा हो गया सी ते फिर भी वह अपने सैनिकां ते सहयोगियां दे नाल लंदन वल वधदा जा रहा सी। टैम्बर्थ तक उहनूं किसी तरह के अवरोध विरोध का सामना नहीं करना पिया। अपने सैनिकां नूं उहने अपील की कि इस लड़ाई विच खूनी बर्बर नर पिशाच रिचर्ड नूं हरा के देश 'ਚ शांति ते सुरक्षा दा वातावरण कायम करन लई हिम्मत तो काम लैना होएगा। साडा मुकाबला कर लिओ लिस्टर तक पहुँच चुका है। रिचर्ड दे डर करके लोक उहदे नाल हन। मौका पैण ते उह भज खड़े होणगे। इधर रिचर्ड बॉसवर्थ ते अपने खेमे 'ਚ नॉरफ़ॉक ते सरे नाल कल ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਚ ਰੁੱਝਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰਿਚਮੰਡ ਨਾਲੋਂ 3 ਗੁਣੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਨੌਰਫਾਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ। ਰੈਟਕਲਿਫ ਦੁਆਰਾ ਸਟੇਨਲੇ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਆ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਰਿਚਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ उत्साह ते रोमांच ते शक होण लग्या। उहदी अंदरूनी हालत पहलां वांग नहीं सी। कलम कागज़ लैके योजना बनाउण दी तैयारी च लग गया। अद्धी रात नूं हथियार नाल लैस हो के युद्ध च जाण दी तैयारी कर लैणा चाहुंदा सी। इधर रिचमंड भी इसे मैदान के दूजे सिरे ते कागज़ कलम लैके अपनी योजना रेखांकित करन च लगा सी। हरेक सेनापति नूं निश्चित खेतर की जिम्मेवारी दे के अपने सैनिकां नूं वध सफलता लई उपयोग करना चाहुंदा सी। उन्हें बंट द्वारा स्टेनले नूं सदा भेजिया। उहदा सुनिया पा के स्टेनले आन पुज्जा, पर उन्हें रिचमंड नूं कहा कि मैं तेरा साथ खुल्लम खुल्ला तो नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि इस नाल जार्ज स्टेनले साडे सामने मौत दे घाट ला दिता जाएगा। उन्होंने विदा करके रिचमंड सौं गया। इसे दरम्यान इन्हां दोवां खेमियां दी ऐन विचकार मैदान च हैनरी 6वें दे पुत्र एडवर्ड दी प्रेत आत्मा प्रगट हुई। उन्हें रिचर्ड नूं सावधान किया, कल मैं तैनूं दबोच लवांगा, जिवें टैक्सबरी च तू मेरी हत्या की सी उस तरह तेरा भी अंत होएगा। रिचर्ड की चुस्ती फुर्ती तो पहले ही गायब हो चुकी सी ते हुणे मानसिक सट। प्रेत आत्मा ने रिचमंड नूं जित का भरोसा दिंदिआं उहनूं कहा, इस हत्यारे ने जिन्ने लोगों का कतल किया है वो सब तेरी मदद करेंगे। उस तरह राजा हैनरी, क्लैरेंस, रिवर्स ग्रे, बॉगन, हेस्टिंगज दोवां राजकुमारां राणी एन ते बकिंगम दीआं प्रेत आत्मावां ने भी रिचर्ड नूं श्राप दिता ते रिचर्ड दे लई जित की कामना की, राजा बनन की भविखबाणी की। यह भयानक सुपना वेख रिचर्ड जाग गया। वह अपने खेमे च कल्ला सी। अजे अद्धी रात बाकी सी। सहम्या डरिया वह अपने काले कारनामियां नूं याद करन लगा। किवें उहने सौं भंग की, लोकां नूं धोखा दिता, बेरहम हत्यावां कीतियां। उह सब बेरहम अपराध उहदी आत्मा नूं पीड़ित कर रहे सन। उहने खुद नूं ही शैतान आखदियां कहा कि मैं हत्यारा, मैं अपराधी हाँ। उहदे मन च अपने प्रति नफरत भर गई। इस सब सोचदियां वह निराशा च डुब गया। उहने कबूल किया कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, मरन ते भी मेरे लिए कोई शोक ना मनाए। उन्हें सोचा मेरे द्वारा मारे गए लोगों दी प्रेत आत्मावां आके कल लड़ाई के मैदान च बदला लैण की धमकी दे गई। तय समय तो पहला रैटक्लिफ ने आके रिचर्ड नूं सूचना दी। मुर्गा 2 बार बांग दे चुका तो लोग अपनी अपनी तैयारी कर चुके हैं, पर रिचर्ड तो सुपने तो पीड़ित सी। उन्हें रैटक्लिफ नूं कहा कि रिचमंड के 10,000 सैनिकों तो भी मैं उन्ना सहम नहीं रहा जिन्ना इस सुपने तो सहम रहा। रिचमंड भी तड़के 4 बजे जाग गया। उन्हें अपने सैनिकों को रात के सुखद सुपने की कहानी सुनाई। उन्हें दसिया रिचर्ड ने जिन्ने लोगों की हत्या की सी वो सारिया प्रेत आत्मावां ने मैनू जित का आशीर्वाद दिता है, वो सारिया मेरी मदद करनगियां। मैदान च जाण तो पहला उन्हें एक बार फिर अपने सैनिकों को उत्साहित करने लई उन्होंने कहा, साडा पक्ष न्याय दा है, रब भी न्याय दा साथ दिंदा है। जो लोग हत्यारे रिचर्ड का साथ दे रहे हैं उन्होंने असीं जित सकते हैं। रिचर्ड तो खूनी है, जिन्हां लोगों ने उसकी मदद की उन्हां दा भी खून वहाउण चों कदे नहीं सहमिया। इस बरबर नूं खेरू खेरू करन लई तैयार हो जाओ। युद्ध विच सफलता दा मतलब होएगा सारियां लई सुख, चैन ते सुरक्षा। सवेर हो चुकी सी, पर अजे तक सूरज दे दर्शन नहीं हो पाए सन। रिचर्ड का कहना सी अज सूरज का प्रकाश नहीं होएगा, अज दा दिन मनहूस होएगा। इन्हां नूं नॉरफ़ॉक नाल दुश्मन दे मैदान विच आ डटण दी खबर पा के वो भी सैनिक टुकड़ियां नूं विभिन्न सामंतां दे निर्देश विच योजनाबद्ध हो वैरी का मुकाबला करन दा हुक्म दे के अपनी सैनिक टुकड़ी दे नाल मैदान वल वध गया। उन्हें स्टेनले नूं भी अपनी मदद लई बुलावा भेजिया, पर दूत ने आके रिचर्ड नूं सूचित किया कि स्टेनले आग्या पालन करन च असमर्थ है। रिचर्ड दा हुक्म होया, जार्ज स्टेनले दा कतल करा दिओ। नॉरफ़ॉक ने उन्होंने समझाया, दुश्मन अगे वधदा आ रहा, पहला काम देखा जाए, जार्ज की हत्या तो बाद भी हो जाएगी। रिचर्ड ने एक बार अपने सैनिकों को संबोधित करदिआं कहा कि तुसीं अज एक अजिही सेना का मुकाबला कर रहे हैं जिस विच आवारा, घुमक्कड़, लंपट, किसान ते नीच श्रेणी के लोग हैं। ये लोग अज तुहाडी जमीन हड़प्पण ते तुहाडीआं औरतां नूं बेइज्जत करन ते तुले होए हैं। उन्हां दा नायक एक अजिहा तुच्छ व्यक्ति है जो मेरी माँ के टुकड़ियां ते पलिया, युद्ध नीति तो पूरी तरह कोरा है। इन्हां भुखड़ां नूं मार के समुंदर दे उस पार खदेड़ के फ्रांस मोड़ दिओ। युद्ध च रिचर्ड जान की बाजी ला के लड़ रहा सी। उहदा घोड़ा मारिया जा चुका सी। वह पैदल ही खतरे का मुकाबला करदिआं रिचमंड नूं फड़न लई बेसबरा सी। कैट्सबी ने नॉरफ़ॉक नूं उहदी सहायता करन दी अपील की। बोलिया, नहीं तो अज की बाजी हथों निकल जाएगी। इन्हां नूं दूजे घोड़े की मंग करदा होया रिचर्ड इन्हां दोवां सहयोगियां दे कोल आ पुज्जा। उन्हें कहा कि इत्थे तक कई रिचमंड हैं, मैं 5 नूं तां ढह ढेरी करता, पर असली रिचमंड अजे भी पकड़ तो बाहर है। अंत विच रिचर्ड ते रिचमंड का मुकाबला होया। दोवां च रज के लड़ाई हुई, पर जित रिचमंड के हथ लगी। इहदे नाल उहदे हथ लग्या रिचर्ड का मुकट। रिचर्ड कुत्ते दी मौत मारिया गया। रिचर्ड दे नाल ही नॉरफ़ॉक वाल्टर, लॉर्ड फेरस, ब्रैकनबरी ते ब्रिंडल वर्गे नामी लोग भी मारे गए। रिचमंड ने इन्हां नूं सन्मान सहित दफनाउण दा हुक्म देण दे नाल ही उन्हां सिपाहीआं दी आम मौफी दा ऐलान कीता जो मैदान छड्ड के भज गए सन। स्टेनले दा बेटा जार्ज भी सुरक्षित बच गया। रिचमंड ने फैसला किया कि याक ते लैंकास्टर वंश दी आपसी कलेश दा अंत करके रेड रोज़ ते वाइट रोज़ नूं एक करेगा। वो खुद लैंकास्टर वंश दा सी पर एडवर्ड याक दी धी एलिज़ाबेथ नाल विआह करके वो दोवां खानदानां दे एकीकरण दी शुभ शुरुआत करेगा। बाद च ही रिचमंड किंग हैनरी 7 दे नाम राजा होया। धन्यवाद।